और युवा जो हैं वही ना देश और राज्य के भविष्य है। और खिलाड़ी रहते हुए भी हम तो भले ही दिखने में भी मोटे हो गए हैं, वजन थोड़ा बढ़ गया है, अब शादी के बाद तो बढ़ ही जाता है। तो आप लोग तो सब जानते, पहले का तस्वीर देखिएगा, मेरा एथलेटिक बॉडी होता था। तो हम लोग तो क्रिकेट शुरू में हम लोग खेले, दिल्ली अंडर 13 रिप्रेजेंट किए, 15, 17, 19, फिर रणजी ट्रॉफी खेले, फिर अंडर 19 इंडियन टीम वर्ल्ड कप में भी गए जिसमें विराट कोहली कप्तान थे मलेशिया में। उसके बाद आईपीएल खेले, उसके बाद मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, दोनों आएंगे, उस वजह से हम खेल जो है आगे नहीं बढ़ा पाए। और सब लोग आज जितने भी इंडियन टीम में खेल रहे हैं सारे हमारे कुछ बैचमेट हैं और ज़्यादातर जूनियर हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन हम लोग हमेशा एक लोग सवाल पूछते हैं, भाई बिहार के हैं लेकिन बिहार से क्यों नहीं खेले, हम दिल्ली से खेले। कई खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता था, लोग जो है दूसरे राज्य जाते हैं, बाहर जाते हैं, खेलने का तो छोटे ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो लोग बाहर जा कर के ट्रेन होते हैं। तो हम लोगों को एक असर रह गया था कि भाई हाँ, हम बिहार के लोग हैं तो हम लोग, और एक नई जिम्मेवारी हमारे कंधे पे दी गई है, एक मौका हमको मिला है, तो हम लोगों को तो मिला नहीं खेलने का बिहार से, लेकिन ये अवसर ये मौका जो मिला है कम से कम हम इतना जरूर करेंगे कि बिहार के लोगों को बिहार से खेलने का मौका मिले, उनको एक सुविधा, एक बेहतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, वर्ल्ड क्लास कोचेस मिले, फैसिलिटीज मिले, ताकि बिहार का भी युवा, अभी देखिए पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आ रहा, कितना खुशी का बात है, कोई तो सोचता था पहले, अब आप देखिए नॉर्मल ओलंपिक में भी अगर बिहार के लोग जाकर के गोल्ड मेडल जीत करके लाएगा तो बिहार का सीना कितना चौड़ा होगा, हम लोगों का सीना कितना चौड़ा होगा, देश का चौड़ा होगा। आप लोग तो सब लोग जान रहे, हम लोग पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लोग कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए अब बाढ़ और सुखाड़ रहता है, ये बिहार का हमेशा दुविधा में रहता है, परेशानी रहती है, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन है।